सांड, जिसे देखकर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है। सांड अगर बगल से निकल ही जाए तो रूह कांप जाती है। और तो और, अगर सड़क पर सांडों की फाइट हो रही हो तो सड़क पर लंबा जाम लग जाता है भैया, क्योंकि सांड खतरनाक जो इतना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सांड को लेकर इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी का एक जिला ऐसा है जहां एक सांड चर्चा में है। वो क्यों, ये भी बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि ये चालाक सांड लोगों के साथ साथ कारों पर भी अटैक कैसे करता है। उससे पहले थोड़ा सा इन तस्वीरों को देख लीजिए। देखा, ये काले रंग का सांड बागपत के बड़ौद में आतंक का दूसरा नाम बन गया है, जो बाइक वालों के साथ साथ कारों पर भी अचानक अटैक कर डालता है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे सांड खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही बाइक सवार उसके नजदीक पहुंचता है तो वो अचानक उस पर अटैक करने लगता है, और फिर अटैक करने के बाद वहां से चुपचाप निकल भी जाता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, कैसे सांड सड़क पर दौड़ती कार पर ही अटैक कर डालता है, जिसकी वजह से पूरी कार ही हिल जाती है। अब यूपी में आवारा सांडों का मुद्दा तो गरमाया हुआ ही है, ऐसे में सांड का वीडियो वायरल हुआ तो लगे हाथ इस वीडियो के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मजे लेने से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट कर बोल भी डाला। लगता है ट्रैफिक पुलिस की जगह चौपायों की नई नियुक्ति हुई है। बुल और बुलडोजर भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। इस सांड से हर कोई परेशान है, और अब तो विपक्ष भी सांड के बहाने सरकार के मजे ले रहा है। ऐसे में अब उम्मीद है कि प्रशासन जल्द इस तांडव मचाने वाले सांड को पकड़ने के लिए कुछ काम तो जरूर करेगा। जीबीटी लाइव।